आई एम अ टैरो रीडर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर. हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है? वेलकम टू टैरो टॉक्स विद राशि रूप लक्ष्मी. आई एम अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट. आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट. आई एम अ मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट. आई हेल्प यू मैनिफेस्ट वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ. नॉट ओनली दैट, आपका कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आई कैन हेल्प यू सॉल्व इट. इफ देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ सोल्यूशन फॉर इट. तो आगे बढ़े. आज का टैरो टॉक्स क्या है, ये हफ्ता आपके लिए रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं. टैरो टॉक्स विद राशि रूप लक्ष्मी. अगर मुझे आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देन यू कैन रीच आउट टू मी एट 9820732557. चलते हैं टैरो टॉक्स विद राशि रूप लक्ष्मी. आज का आपका हॉरोस्कोप मेष राशि से शुरू करते हैं. मेष राशि वाले लोग, ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट का टाइम दिख रहा है. राहु दिख रहा है आपके ऊपर. कुछ लास्ट वीक भी ये राहु कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया है इसने आपके लाइफ में. इस बार थोड़ा बेटर है सीन आपका. मेहनत है, माइंडसेट को करेक्ट रखना है. यू आर एनर्जेटिक पीपल, आपको अपने माइंडसेट को ऑलवेज एनर्जेटिक रखना है. ये इस सिचुएशन में आपको किस तरह से निकलना है बाहर, आपको अपना प्लान बना के उसमें से प्रॉपरली निकलना होगा और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा. हो सकता है कि आपको जो काम आप कर रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन द वे यू वॉन्टेड टू वर्क, पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे आपने प्लान किया था, लेकिन आपका प्लानिंग कम नहीं होना चाहिए. You should keep planning and भले अभी पैसा नहीं आ रहा है, अभी things are not working your way, लेकिन आएगा. So your HRCM, what I can see is your health, your relationship is going to be wonderful. Your career is, these are tough times. थोड़ा सा आप बहुत ही कष्ट में हो जहाँ पे आपका करियर का सवाल है. आप थोड़ा सा वहाँ पे आप बहुत लिमिटेड फील कर रहे हो. यू फील योर बाउंड, योर गैग्ड, एंड यू आर यू फील दैट कि बहुत इस तरह की सिचुएशन है जिससे कि आप निकलना चाहोगे बाहर. थिंग्स आर नॉट द वे यू वॉन्ट इट टू वर्क. मनी का भी जो स्रोत दिख रहा है इट्स नॉट ग्रेट, बट येस इट इज गोइंग द राइट वे एटलीस्ट. लेकिन आपको चेक करते रहना होगा कि किस तरह से आपको मिलेगा सही रास्ता. तो आपको मैं मनी के लिए एक स्विच इटालियन फोक शायर बताना चाहती हूँ. और इंडियन स्विच वर्ड जो मनी के लिए है, दैट इज अ ब्यूटिफुल, जो हम लोग सबको ही जानते हैं, श्रीम. आप श्रीम चैंट करो, माँ लक्ष्मी का मंत्र है. श्रीम 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 108 बार चैंट करो, मनी विल स्टार्ट कमिंग एंड यू आर इनवाइटिंग लक्ष्मी माँ. इसके अलावा सवेरे सवेरे जब आपके घर में पूछा हो जाए, व्हेन यू हैव क्लीन योर हाउस, यू हैव ऑलरेडी क्लीन्ड इट एंड यू हैव पोछा लग चुका है, उसके बाद आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर हाथ में लेकर घर के अंदर, घर के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर घर के अंदर इस तरह से फूको एंड लेट द सिनेमन पाउडर गो इनसाइड. इट शुड बी वन चुटकी ऑफ सिनेमन पाउडर दैट यू नीड टू पुट हियर एंड उसके बाद फूको. अभी जो आपका टाइम चल रहा है ये करना, थोड़ा आप कर लोगे तो आपको फायदा होगा. इसके अलावा जो मुझे दिख रहा है, थिंग्स आर मूविंग इन अ वे दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव. तो इसके लिए हम अगर रात में एक जायफल सोने से पहले जलाएं तो बहुत सारी नेगेटिविटी निकल जाती है. तो ट्राई इट एंड लेट मी नो ऑन दैट हाउ इट वर्क्स फॉर यू. ये आपके जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके मनी के लिए भी अच्छा रहेगा. नेक्स्ट राशि इज वृष राशि, यानी कि हम डील कर रहे हैं टॉरस से. सो टॉरस राशि वाले लोगों के लिए जो मुझे लग रहा है, ये वीक इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल वीक. इट्स एन एक्सलेंट वीक एंड नॉट ओनली दैट, ये वीक भले ही एक्सलेंट है लेकिन यू विल फील दैट यू आर लेफ्ट आउट. ऐसा लग रहा है कि आप बाहर, आपको लोगों ने छोड़ दिया है, फ्रेंड्स ने छोड़ दिया है, कुछ इस तरह का आपको फीलिंग आ रहा है.
But yes, you have your love with you, and that is the most important thing. लेकिन जो दिख रहा है कार्ड में, आपका ये वीक इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल वीक. आप काम करते रहो, आपको इसका रिजल्ट मिलता रहेगा. और वही नहीं, आपने जो डिप्रेशन को ओवरकम किया है, दिस इज एन अनडिग्निफाइड कार्ड. एंड आपने जिस तरह से अपने माइंडसेट को डील किया है, दैट इज कमेंडेबल, एब्सोल्युटली द कमेंडेबल. दो योर हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट दिस वीक. इसके लिए मैं अश्विना चैंट करने के लिए बोलूंगी 108 टाइम्स. अश्विना या सप्त चिरंजीवी आप चैंट करो, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. एंड आपका रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी फाइन, इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल द वे यू वॉन्ट इट टू बी. लेकिन आपके ऑफिस में, आपके करियर पॉइंट जहां पे भी आप, वो बहुत ग्रेट नहीं चल रहा है द वे यू वुड हैव वॉन्टेड इट टू बी. बहुत सारे ऑफिस पॉलिटिक्स जो है मुझे दिख रहा है, और मनी का जो फ्लो है जिस तरह से पहले था वैसा, उससे काफी बेटर होने वाला है, दो इट इज नॉट द वे यू विल वॉन्ट इट टू बी. तो मैं मनी के लिए भी जो आपको चैंट बता रही हूँ, वो आपको, जैसे मैंने श्रीम अभी बताया, मैं आपको एक और चैंट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. इट इज बूरा मिया, बूरा मिया, बूरा मिया. इट इज ऑफ इटालियन फोक शायर. यू नीड टू चैंट इट 51 टाइम्स इन वन गो. बूरा मिया, बूरा मिया, बूरा मिया. ये आपको मनी के लिए बहुत अच्छा चैंट है. मैंने पहले आपको बताया हुआ है कौनवा लेक्सा. कौनवा लेक्सा इज अ वेरी ब्यूटिफुल चैंट, एंड इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल विद मनी गेन्स. आपको मैंने मेपेर्थ वाला मो भी बताया है. यू कैन चैंट इट 51 टाइम्स. मेपेर्थ वाला मो, मेपेर्थ वाला मो, मेपेर्थ वाला मो. सो ट्राई इट एंड लेट मी नो इफ इट वर्क फॉर यू और नॉट. मेपेर्थ वाला मो, मेपेर्थ वाला मो, मेपेर्थ वाला मो. दिस इज अ पेगन चैंट दैट आई हैव जस्ट मेंशन, मेपेर ट्वलमो. ये बहुत ही अच्छा चैंट है, बहुत ही पुराना चैंट है, एंड इट हैज रियली वर्क वंडरफुली फॉर अदर्स. सी इफ इट वर्क फॉर यू. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज पेगन, पेगन वाले लोग जो है नेचर को वर्शिप करते थे, तो ये चैंट उससे ही रिलेट करता हुआ चैंट. दे एक्चुअली वर्शिप नेचर, और वो अपने गॉड्स को जो वर्शिप करते थे, ये उससे रिलेट करता ही हुआ है. एंड ये जो मैं इटालियन फोक शायर्स जो देती हूँ चैंट करने के लिए, दिस इज अ सिसिलियन इटालियन फोक शायर जो सिसली बेस्ड है. तो वहां के लोग जिस तरह से पूजा करते हैं, बहुत ही इंडियन, उनका भी इंडियन मेथड है. उनका दे हैव अ लॉट ऑफ डेटीज, दे हैव अ लॉट ऑफ, जैसे हमारे यहाँ इतने सारे डेटीज हैं, वैसे उनका भी बहुत सारा गॉडेसेस और डेटीज, और उनके भी चैंट्स होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी चैंट्स बहुत पावरफुल होते हैं, वैसे उनके भी चैंट्स काफी पावरफुल होते हैं. सो यू कैन चैंट इट एंड यू कैन सी इट वर्क फॉर एवरी वन. सो डू इट एंड लेट मी नो ऑन दैट. नेक्स्ट राशि जेमिनी राशि. सो जेमिनी राशि वाले लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि आप लोग में जो एक ये स्पार्क ऑलवेज चलता रहता है कि कुछ करना है, कुछ करना है नया, ये आप इसको पॉजिटिवली ऑलवेज यूज करें. यू पीपल आर वेरी गुड विथ आइडियाज, यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज. आपके पास नए नए आइडियाज आते रहते हैं, आप दूसरों को भी देते रहते हैं, बांटते रहते हैं. ये बहुत ही अच्छी चीज है. एंड दिस वीक इज गोइंग टू बी स्लाइटली थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में जा सकता है. देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट, एंड आपको अपना मेंटल स्टेट, अगेन आई विल से, आपको अपना मेंटल स्टेट को अच्छा रखना चाहिए. एंड फॉर यू पीपल आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी नाइस चैंट, दैट इज इटालियन फोक शायर है. दिस इज सुरु सुरु तस्मान्य, सुरु सुरु तसेला अबेदा मोंटेसा दुआ. 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 दिस इज एन मैजिकल वर्ड्स, दीज आर मैजिकल वर्ड्स बेसिकली. एंड ये पूरा आप ये 51 टाइम्स दो बार भी करें, दिन में दो से तीन बार भी करें, पूरा फुल फेथ के साथ,
आप देखो कि आपका मनी वाला जो चीज है आपका प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। सुरु सुरु तसेला बेदा मोंटेसा द्वा, सुरु सुरु तसेला बेदा मोंटेसा द्वा, सुरु सुरु तसेला बेदा मोंटेसा द्वा। आप इसको, और ये आपका मनी अर्निंग कैपेसिटी को भी, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारा क्रिएट करेगा, कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। और यू विल सी दैट कि आप ये जब कर रहे हैं चैंट, तो आप अगर आप रेड लाइट को आप विजुअलाइज करके करें तो ये और ज्यादा फर्क पड़ता है। यू विजुअलाइज अ रेड लाइट एंड देन यू चैंट दिस मंत्र। दिस इज इटालियन फोक शायर विच कैन बी चैंटेड लाइक सुरु 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 तसेला अबेदा मोंटेसा द्वा, सुरु सुरु तसेला अबेदा मोंटेसा द्वा विद अ रेड लाइट हियर एंड यू सी द डिफरेंस। मैं इसलिए अभी आपको दे रही हूँ ये चीज क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जेमिनी वाले लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मिथुन वाले लोग थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं जहां पे पैसा का सवाल है। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, पैसा जो है आ रहा है जा रहा है, इट इज नॉट, यू आर नॉट गेटिंग ऑल योर ड्यूज एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग डिप्रेस्ड। सो यू चैंट दिस एंड लेट मी नो। देर इज वन मोर चैंट आई वॉन्ट टू गिव यू, फेंग दे अबंशिया लोए, फेंग दे अबंशिया लोए, फेंग दे अबंशिया लोए, फेंग दे अबंशिया लोए, दिस इज फॉर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। ये पहला वाला भी सुरु सुरु तसेला अबेदा मोंटेसा दुआ, ये भी आपका अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। आप इसको रेगुलरली चैंट करें, दिन में आप इसको एक हफ्ता चैंट करें और आप मुझे देखिए, आप, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको डिफरेंस पता चलेगा। इतने सारे मेरे क्लाइंट्स ने मुझे इस पे बताया है कि उनको इतना फर्क पड़ा है। आई वॉन्ट यू टू डू इट एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन गिव यू मोर एंड मोर, राइट। तो ये वीक जो है जर्मनी वाले लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला हो सकता है, जहां पे आपका हेल्थ का सवाल है। सब कुछ ठीक है, आपका हेल्थ इज वेरी गुड, यू आर हैप्पी, लेकिन मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ा रिलेशनशिप भी ठीक ठाक है, इट इज गुड, बट वेयर योर करियर इज कंसर्न थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वॉन्टेड टू वर्क। मनी में भी थोड़ा सा इश्यूज दिख रहा है, प्रॉब्लम्स थोड़ा सा दिख रहा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी फॉर मनी, फॉर अबंडेंस, फॉर जॉब। ये भी मैं आपको बोलूंगी कि आप जाकर, अगर आपको जॉब में इश्यूज है तो आप जाकर एक मंदिर में प्लास्टिक का घोड़ा या व्हाइट कलर का घोड़ा चढ़ाए, घोड़ा चढ़ाना है व्हाइट कलर का मंदिर में, प्लास्टिक का हो नॉर्मल किसी का भी हो, छोटा सा घोड़ा है आप एक चढ़ा के आ जाइए विद द इंटेंशन कि आपका जॉब अच्छे से आपका लग जाए या आपका जॉब अच्छे से स्मूथली चले। ट्राई टू डू इट एंड लेट मी नो ऑन द रिजल्ट्स, कैसा आपको रिजल्ट मिला उस पर। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि अगर किसी का मुझे अगर अल्कोहल छुड़वाना है तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो मैं आपको एक रेमेडी देना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट विद कर्क लग्न, कर्क राशि का। तो ये एक रेमेडी है कि अगर किसी को, कोई आपके घर में है जिसको बहुत ज्यादा एडिक्शन है अल्कोहल का और दे आर हाईली इनटू ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, छुड़वाना ही है, तो आप एक अल्कोहल का बॉटल एम्प्टी लीजिए, एम्प्टी अल्कोहल का बॉटल, खाली अल्कोहल का बॉटल लीजिए, उसमें आप पानी भर के उसको आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप छुपा के रख दीजिए, जैसे बेड के नीचे छुपा के रख दिया, पानी भर के बेड के नीचे छुपा के रख दिया, या आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या है अगर वहां पे आपका कोई अलमारी है तो उसमें आप छुपा के रख दीजिए, बेड के नीचे छुपा के रख दीजिए, समवेयर वेयर इट कैन नॉट बी सीन, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना को, उसके बाद उसको निकाल के आप हटा दीजिए। आप देखिएगा ये करने से आपके घर में जो भी अल्कोहल त्रस्त है उसका वो नशा निकल उतर जाता, वो नशा करना छोड़ देते हैं कंप्लीटली। आप ये करके देखिए और मुझे बताइए रिजल्ट। सो वी लेट्स स्टार्ट विथ कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग के लिए आप बहुत परेशान हैं, हेल्थ इशू भी है, सप्त चिरंजीवी चैंट कर सकते हैं फॉर योर हेल्थ, अश्विनी चैंट कर सकते हैं फॉर योर हेल्थ। आप एक और काम कर सकते हैं, आप हल्दी का गांठ लीजिए, उसका उसको आप एक पीले कपड़े में, बांध कर 3 बार गांठ लगाना है, 3 बार गांठ लगाना है, और
हनुमान, उस दिन थर्सडे को आपको ये अपने तकिए के नीचे रात में रखकर सोना है, नेक्स्ट डे उसको आपको चढ़ा दे रहा है हनुमान जी के यहाँ 1.25 किलो लड्डू के साथ, वहां पे चढ़ा के आ जाना है। अगर आपको लड्डू बांटना है तो बांट के आ जाइए, घर नहीं लगता। लेकिन ये आप अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं, किसी का हेल्थ जैसे कि यहाँ पे आपका हेल्थ ठीक नहीं है, देन यू कैन ट्राई एंड डू इट फॉर योर हेल्थ। तो आपका मुझे हेल्थ बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा है, और एंड थोड़ा स्ट्रगल मुझे समहाउ दिख रहा है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं सिचुएशन में। निरुबा निरुबा यू कैन चैंट टू स्मूदन आउट, या ओ दियो सांतो कैन बी चैंटेड फॉर स्मूथ बिजनेस, फॉर स्मूदनिंग ऑफ ऑल प्रॉस्पेरिटी आए, बिजनेस आए, ओ दियो सांतो। और एक 319 भी डिवाइन हेल्प के लिए आप चैंट कर सकते हैं। तो ट्राई डूइंग दिस ऑल द कर्क राशि वाले लोग, जितने भी हैं हमारे कैंसर राशि वाले लोग, यू कैन चैंट दिस एंड यू सी, यू विल फील दैट यू आर गेटिंग एक्सलेंट रिजल्ट्स। आपका जो सिचुएशन है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका अक्सर ये चीज होता है, तो यू कैन एक्चुअली ट्राइंग दिस, ट्राई डूइंग दिस। एंड व्हाट आई कैन सी इज बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, मैंने निकल आउट किया है और ये फंस जा रहा है, इट इज गेटिंग यू नो स्टक समहाउ। सो ये मुझे बहुत दिख रहा है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है सिचुएशन, लेकिन एवरीथिंग यू विल बी एबल टू ओवरकम। आप अपना, देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज वेल फॉर यू, मनी का भी थोड़ा दिख रहा है ऊपर नीचे, लेकिन जहां पे हेल्थ का सवाल है मैंने बताया है, रिलेशनशिप इज फाइन, लेकिन बहुत नोक झोंक हो रही है, बातें इस तरह की आप लोग दोनों आपस में कर इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा काम। आप लोग में बहुत ज्यादा, यू आर नॉट टॉकिंग स्ट्रेट, आप एक दूसरे को खंजर फूंक रहे हैं बातों से, ये नहीं करना है। ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर। एंड कर्क राशि वाले लोग तो होते ही है इमोशनल, एंड फैमिली वाले पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड वेयर योर करियर इज कंसर्न, थिंग्स यू आर वेरी कंफ्यूज अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट और नॉट। तो मैंने जो अभी बताया करियर के लिए भी मैंने बताया था कि आप एक घोड़ा, वाइट घोड़ा, आप एक टेम्पल में जाके दान करके आओ, चढ़ा के आओ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मनी इज गुड, सो आई विल नॉट गिव यू एनी रेमेडी फॉर दैट नाउ, बट जो भी मैंने रेमेडी देती हूँ ना, ये आप जरूर करें। इसको करने से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी फर्क पड़ा है, हो सकता है आपको भी पड़ जाए, करने में क्या हर्ज है। और ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है, चांट ही तो है, 1-2 मिनट में तो खत्म हो जाता है। ट्राई डूइंग दिस एंड लेट मी नो कि आपको कितना फर्क पड़ा, राइट? सिंह राशि वाले लोग, सिंह राशि वाले लोगों का जो मुझे दिख रहा है कार्ड, उसके हिसाब से दिस वीक शुड बी फाइन फॉर यू, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस में हैं, नींद नहीं आ रही है आपको। आप मेलेटोनिन भी चैंट कर सकते हैं, मेलेटोनिन मेलेटोनिन मेलेटोनिन, या आप ये फोक्शा चैंट करें विच इज एलोहियम ग्लोरियस, एलोहियम ग्लोरियस, नहीं तो आप इंडियन स्विचवर्ड चैंट कर लीजिए, सोमा 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 सोमा। बहुत अच्छी नींद आती है सोमा करने से, बहुत सारे लोगों को मैंने सुलाया है ये सोमा सोमा बोलकर, आप ट्राई करें एंड लेट मी नो, राइट? आपको अभी नींद नहीं आ रही है, बहुत स्ट्रेस है, लेकिन थिंग्स आर वर्किंग एंड यू आर द वन विद द एनर्जी। आप वो लोग हैं जो कि एनर्जेटिक हैं और बढ़ते जाते हैं। यू यू नीड, यू फील दैट यू नीड टू वर्क एट दैट पेस, एंड आपको रिजल्ट मिलेगा भी, मिलता भी रहेगा। वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न्ड, इट इज नॉट ऑल दैट ग्रेट, तो अश्विना या सप्त चिरंजीवी भी चैंट कर सकते हैं, नहीं तो महामृत्युंजय चैंट करना तो बहुत अच्छा बात है। वेयर योर रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड, यू आर इन अ परफेक्ट परफेक्ट रिलेशनशिप एंड थिंग्स आर गोइंग टू गो अ लेवल अप। अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाएगी, अगर आप रिलेशनशिप में घुसना चाह रहे हैं तो आप घुस जाएंगे रिलेशनशिप, यू विल गेट इन टू अ रिलेशनशिप। आप अगर जिसको प्रपोज करना है वो प्रपोज कर लेंगे, एंड यू विल गेट अ गर्लफ्रेंड, यू विल गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। जिनकी शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट नहीं हुआ है, उनका एंगेजमेंट हो जाएगा।
it's a beautiful time for you. Then, where your career is concerned, things are going the way you have wanted to be. मनी कहीं इधर उधर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वो भी सही आ जाएगा. मैंने बहुत सारे आपको चांट्स बताए हैं, यू कैन चैंट एनी ऑफ देम फॉर मनी एंड अबंडेंस. जो एक मैंने अभी इटालियन फोक शायर बताया था, सुरु सुरु अबेदा तस्मान्य दया मोंटेसा दुआ, ये वाला जो है आप चैंट करो. सुरु सुरु तसेला अबेदा मोंटेसा दुआ, सुरु सुरु तसेला अबेदा मोंटेसा दुआ, सुरु सुरु तसेला अबेदा मोंटेसा दुआ, ये आपको चैंट करना है विथ रेड लाइट. यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है, और वो विजुअलाइज करिए अपने भूमध्य पर और ये चैंट करें. इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है लोगों को. आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू गेट द रिजल्ट, सो डू इट. नेक्स्ट है वर्गो. वर्गो राशि वाले लोग, यानी कि कन्या राशि. यस, सो कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये मैं हफ्ता बोलूंगी कि आप एक अलग से एक उलझन में हैं, और जो एक कुछ निकल के आया है सामने, जो आपको दिख रहा है, वो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे. There is something which has come in the forefront for you now, which was not there earlier. अचानक से वो सामने आया and you were not prepared for that. और उसके वजह से बहुत सारी चीजें में उलझन आपको नजर आ रहा है. Though time is not bad, I would not say the time is bad. लेकिन फिर भी आप बहुत कंफ्यूजन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है what is it happening, and आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे की भी कमी है. ऐसा कुछ नहीं है, इट्स हैपनिंग, लेकिन हो जाएगा सब कुछ ठीक. ओके, योर प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, सो यू नीड टू प्लान इट वेल. यू नीड टू कम आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. जो आपका ये कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है, इससे आपको निकलना है बाहर किसी तरह. और ये आप अपने अंदर ही अंदर जो घुट रहे हैं, वो आपको उस सिचुएशन से भी निकलना है बाहर. What I want you to do is, पहले मैं आपको बता दूं कि आपका हेल्थ, इसके वजह से आपके मेंटल जो ये चल रहा है आपके अंदर में बहुत कुछ, इसके वजह से आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है. स्ट्रेस बढ़ गया है, थोड़ा पेशेंस लाना जरूरी है. योर रिलेशनशिप इज ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड बाई इट. बेटर हो गया है, लेकिन फिर भी योर करियर इज फाइन. लेकिन वे योर मनी इज कंसर्न्ड, आई नो यू सीम टू हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ अ लॉस, जिसके वजह से ये सब हो रहा है. और ये बहुत आपको जो दिख रहा था वो नहीं हो रहा है. लग रहा है जैसे शेयर मार्केट में आपने लूज किया है या कहीं लूज किया है. आ जाएगा. लेट्स लेट्स डू इट वेल, लेट्स प्लान इट वेल. अगर आपने अभी तक मेरी रेमेडीज नहीं देखी है, तो आप एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा. आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ रेमेडीज फॉर मनी एंड अबंडेंस. अगेन लेट मी गिव यू वन मोर, दैट इज त्रोजन मिया, त्रोजन मिया, त्रोजन मिया, त्रोजन मिया. दिस यू नीड टू चैंट 51 times फॉर योर प्रमोशन, अबंडेंस, जॉब, सब सिक्योरिटी के लिए आपको ये आप त्रोजन मिया चैंट कर सकते हैं. इसके अलावा आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर थिंग कि आप, अगर आप लोग शेयर मार्केट में हैं, देन आप चाहे तो रेड पर्स रखें या ग्रीन पर्स रखें या ब्राउन पर्स. ब्लैक पर्स ना रखें तो अच्छा रहेगा. व्हाट हैपेंस इज, ब्लैक पर्स रखने से क्या है ना, कि सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑल द गुड एनर्जी. इट इट विल नॉट लेट यू ग्रो फर्दर. ओके, सो आई विल रिकमेंड दैट यू कीप अ ब्राउन पर्स विथ यू, जो कि मनी को सेव, जो सेविंग वाला मोड होता है उसमें ऑन हो जाता है. रेड एंड ग्रीन हेल्प्स यू फॉर द मनी टू ग्रो. रेड एंड ग्रीन बोथ ऑफ देम अमेजिंग. तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप ग्रीन, अगर आप लॉस हो रहा है आपको शेयर में या कहीं पे भी आप मनी लॉस हो रहा है, देन कीप अ ग्रीन और अ रेड पर्स. इट विल रियली हेल्प यू विद दैट. और मैं क्या बताऊं, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको उपाय अलग अलग बताए हैं, वो जरूर जाके चेक कर लीजिए और जरूर करिए. दैट विल रियली हेल्प यू. एंड ओवरऑल योर टाइम इज गुड.
थोड़ा स्ट्रेस कम करिए, मेडिटेशन करिए, इट विल गिव यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट इज तुला राशि, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिब्रंस। यस, सो लिब्रंस का टाइम काफी अच्छा चल रहा है, सो आई वुड से दैट यू आर एबल टू सक्सीड इन ऑल दैट यू हैव बीन ट्राइंग टू गेट योर होल्ड ऑन। यस, बहुत अच्छा है ये, और आपका एनर्जी भी बहुत अच्छा है इस वीक की। एनर्जी इज ऑल्सो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एंड देर इज सो मच ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी दैट यू आर कैरिंग। आपके अगल बगल के लोग सब तो इम्प्रेस हो चुके हैं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा चल रहा है आपका। यू आर ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल, वेरी, आप अभी जिस सिचुएशन में हो यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड, एंड नॉट ओनली सेटिस्फाइड, यू आर स्टेबल। बहुत अच्छी स्टेबिलिटी इफेक्ट अभी आपको आई है, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ अ सिचुएशन विच माइट यू नो ओवरटर्न योर कार्ट, यू नो इट माइट। अभी कुछ सिचुएशन आपको थोड़ा केयरफुल रहना है बेसिकली। डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडियाज, योर गुड आइडियाज, या अपने अच्छे अच्छा जो है ज्यादा मत बताओ किसी को, बिकॉज देयर इज समवन और सम एनर्जी विच माइट यू नो टॉपल योर एप्पल कार्ट। सो आई वुड रिकमेंड कि आपका जो ये अच्छा टाइम है आप अपने पे थोड़ा सा रखो, और एंड यू गो ऑन इन योर ऑन योर जर्नी, लेकिन ट्राई नॉट टू डिस्क्लोज इट टू अ लॉट ऑफ पीपल। वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न, इट इज गोइंग टू बी फाइन। योर रिलेशनशिप थोड़ा सा उस पर स्ट्रगल दिख रहा है। योर करियर इज एक्सलेंट, और जो आप करना भी चाहते हैं बहुत अच्छा है। योर मनी सीम्स टू बी वेरी ब्यूटिफुल, सो दिस वीक इज एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल फॉर यू। आपको मैं क्या दूं, अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए और या लोगों को क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं आपको इटालियन फोक शायर बोल सकती हूँ। इसको एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल चैंट करना है, मिनिमम 51 टाइम्स चैंट करना है। दिस इज स्टॉप लेंडोसा, स्टॉप लेंडोसा, स्टॉप लेंडोसा, स्टॉप लेंडोसा, स्टॉप लेंडोसा, स्टॉप लेंडोसा। ज्यादा कुछ नहीं है, स्टॉप लेंडोसा। सो दिस इज फॉर गेटिंग क्लाइंट्स एज मेनी एज पॉसिबल। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो जिनको काम आता है उनके क्लाइंट से, देन सिंपली चैंट दिस स्टॉप लेंडोसा एंड सी योर रिजल्ट, हाउ इट वंडरफुली वर्क फॉर यू। स्टॉप लेंडोसा, स्टॉप लेंडोसा, स्टॉप लेंडोसा। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि, यानी स्कॉर्पियो राशि। यस, सो दिस इज अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। बहुत अच्छा आपने ऑलरेडी काम किया है, लेकिन यू फील दैट यू आर बर्डन्ड, यू फील बर्डन्ड विथ वर्क, सीम्स लाइक यू आर, यू फील दैट यू आर बर्डन्ड विथ वर्क, एंड इसके वजह से आप जो हो थोड़े से आप फील कर रहे हो लोनली। दैट डजंट मैटर अलॉट, लेकिन बात यह है कि आप लोगों से अलग हो रहे हो, कुछ सिचुएशन ऐसा बन रहा है जिसके वजह से यू आर गोइंग अवे, यू आर गोइंग अवे। देर इज, हो सकता है रिलेशनशिप में आपका कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप भी ठीक चल रहा है। मे बी वे योर हेल्थ इज कंसर्न, वे योर ऑफिस पीपल आर कंसर्न, देर इज समथिंग गोइंग ऑन, दो एवरीथिंग एल्स इज गुड। इनफैक्ट आप जो है, हो सकता है कि आप फॉरन ट्रेवल भी करें अपने काम के सिलसिले में। देर आर पीपल हु माइट ट्रेवल, अगर आप इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर सम जॉब आउटसाइड इंडिया, देन इट इज अ ब्यूटिफुल टाइम, बिकॉज आपको पैसा आने वाला है बाहर से। यस, सो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू। नॉट ओनली दैट, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर विशेज। आप जो करना चाहते हैं आप कर लें, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। कुछ आने वाला है, कुछ बहुत ही अच्छा आने वाला है। जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, परहैप्स यू माइट गेट मैरिड, गेट एंगेज्ड, एंड देर आर पीपल हु माइट, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, हु आर वॉज नॉट एबल टू कंसीव, माइट गेट यू नो बेबी आए, घर में कुछ नया होने वाला है, समथिंग। देर इज काल चक्रा मूवमेंट, दिस सीम्स टू बी लाइक दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग जॉब माइट गेट अ ब्यूटिफुल जॉब, और देर इज समथिंग वेरी हैप्पी हैपनिंग अराउंड योर, एंड ये मैनिफेस्टेशन टाइम है। सो आस्क फॉर समथिंग दैट यू वॉन्ट। वृश्चिक वाले लोग कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, आप कभी कभी नेगेटिव चीजें मांगने लगते हो, वेंजेंस आप में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये हफ्ते आप
ये प्रॉमिस करो कि आप जो भी मांगोगे वो पॉजिटिव मांगोगे, सो दैट इन द लॉन्गर रन दिस वीक का जो मैनिफेस्टेशन वाला पॉइंट है विल गिव यू रिजल्ट फॉर द कमिंग वीक्स और मे बी इयर्स टू कम. सो इट्स अ ब्यूटिफुल वीक एंड आस्क फॉर समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड यू विल सी द रिजल्ट. इट्स अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू. सो मैंने क्लाइंट के लिए क्या बताया था अभी, स्टॉप लेंडोसा. तो अगर आप क्लाइंट आपको चाहिए या मनी चाहिए तो यू हैव टू चैंट दीज फोक्शाइज 51 टाइम्स इन वन गो. पुगलिए से तुवेल, पुगलिए से तुवेल, पुगलिए से तुवेल, दिस इज फॉर मनी मैनिफेस्टेशन. ये आपको वैसे जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ये हफ्ता ही है मैनिफेस्टेशन वाला. इट विल कम ट्रू फॉर यू बट यू हैव टू बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट. ट्राई टू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड सी द रिजल्ट. नेक्स्ट राशि इज धनु यानी सजिटेरियस. सजिटेरियस वाले लोग बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं एंड अ ब्यूटिफुल साइन, सन साइन. एंड आपको पिछले हफ्ते आपको सपोर्ट के वजह से यू वर डूइंग वेरी गुड. देयर वाज सम सपोर्ट दैट केम योर वे एंड इट रियली हेल्प्ड यू अलॉट. सो यू नीड टू बी दैट सपोर्ट टू अदर्स एज वेल. रिमेंबर दैट बिकॉज ये जो लाइफ कर्मा है, अगर आप जितना ज्यादा आप दूसरों को भी सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा है. लेकिन दिस वीक यू आर स्लाइटली लो ऑन एनर्जी. यू नीड टू बी अप अप एंड अप एंड वो काम में आपको अब उतना मजा नहीं आ रहा है जितना कि पहले आ रहा था. दिस वर्क नीड्स टू बी यू नो आप कहीं ना कहीं दो इट मनी इज कमिंग इन एंड थिंग्स आर फाइन लेकिन आपको काम में उतना मजा नहीं आ रहा है. थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे. यू आर कंफ्यूज अबाउट, डायलेमा में हो अबाउट सिचुएशंस, ऑफिस सिचुएशंस के वजह से. आपको मैं त्रोजन मिया, त्रोजन मिया, त्रोजन मिया, त्रोजन मिया, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर शायर चैट टू बी चैंटेड 51 टाइम्स इन वन गो फॉर प्रमोशन फॉर जॉब. आप एक और काम कर सकते हो. अगर आपको जॉब में तकलीफ है तो आप एक गौशाला जाकर जहां पे गाय को बांधा जाता है वहां पे एक कलावा, लाल रंग का कलावा आप जाके टाई करके आओ. लाल रंग का कलावा वाइल द इंटेंशन ताकि मेरे ऑफिस में जो कुछ चीजें चल रही हैं, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है या कुछ कुछ शांत हो जाए एंड आई लेट मी स्टे देयर इन अ वेरी स्मूथ एनवायरमेंट. तो ये आप एक काम करो. और ये जब आपको जॉब लग जाए और या जॉब अच्छे से चलने लगे तो आप गाय को जाके एवरी एटलीस्ट 5 डेज आप जाके उसको चाहे तो लड्डू खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, कुछ जाके आपको सेवा करके आप बनाना. ट्राई डूइंग दिस, दिस विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स. एंड वे योर हेल्थ इज कंसर्न, आपका हेल्थ इज गुड, योर रिलेशनशिप इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, योर हेल्थ इज एंड रिलेशनशिप इज कीपिंग गुड. लेकिन जस्ट जैसा मैंने बताया आपका करियर, इसका मैंने उपाय बताया गाय का चारा एंड गाय के का जहाँ पे आप गौशाला में जाके ये आपको करना है तो ये आप करेंगे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. मनी सीम्स टू बी फाइन एंड यू आर डूइंग वेल. नेक्स्ट इज मकर राशि. वेल मकर राशि वाले लोग अभी पार्टी खत्म, टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है फॉर यू पीपल स्पेशली. तो दो यू डू नॉट बिलीव अ लॉट इन मेनी मैनिफेस्टेशन लेकिन आप बिलीव करते हो कि जो आप काम करते हो उसी से आपका मैनिफेस्टेशन होता है, राइट? आप बिल्कुल सही सोचते हो एंड दिस इज वॉट गिव्स यू वॉट यू वॉन्ट. दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन. क्योंकि ये वीक जो है माइंडसेट आपका थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रीप इन करने वाला है. फॉर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी वी नीड दिस. ये अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी है लेकिन कहाँ है? इट इज हैपनिंग लेकिन देर इज सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक विच यू माइट सी, यू माइट सफर. उसमें आपको किसी तरह मैनिफेस्ट करना है. थिंग्स आर गुड फॉर यू एट द मोमेंट. ट्राई टू मेक इट बिगर, मोर, यू नो, और अच्छा आप कर सकते हैं. सो व्हाट आई वुड से इज थोड़ा सा आपका हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है तो आप यू नीड टू चेक ऑन दैट. यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट. योर रिलेशनशिप इज फाइन.
योर यू नीड टू मैनेज ऑन योर रिलेशनशिप, लेकिन जहां पे आपका करियर का सवाल है, थिंग्स आर सडनली गोइंग टू हैपन इन अ सर्टेन मैनर जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, एंड इट माइट देर माइट बी सम एक्सीडेंट्स, देर माइट बी समथिंग विच इज नॉट यू नो विच कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं विच माइट हैपन विच इज वेरी सडन. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, नॉट ओनली गेट प्रिपेयर फॉर दैट वे योर करियर इज कंसर्न. आई वुड से आप वो जो मैंने इनको बताया था अभी गौशाला में जाके एक लाल कलावा बांधना है, ये आपको भी करना है. लाल कलावा जिसमें कि गाय को बांधा जाता है, उसमें लाल कलावा बांधकर अपने मैनिफेस्टेशन करिए. उसके बाद आप गाय को भी खिलाइए, एटलीस्ट 5 डेज खिलाइए. ये आपको जॉब का बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देगा. एंड वे योर मनी इज कंसर्न, थिंग्स सीम्स टू बी वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटिफुल. सो ये गाय को खिलाने वाली जो चीज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कोई फोकशायर नहीं बता रही हूँ, बिकॉज यू पीपल डू नॉट फॉलो बुकशायर्स, डू नॉट बिलीव इन मंत्रा. सो दैट इज ओके विथ मी एंड आई अंडरस्टैंड दैट टोटली, दैट इज योर माइंड सेट एंड आई टोटली रेस्पेक्ट इट. ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का, आप कर सकते हो मैनिफेस्टेशन. जो मैंने गाय खिलाने के लिए बोला है आप करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट इज अक्वेरियस. अक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ राशि. तो कुंभ राशि वाले लोगों का टाइम तो अच्छा चल रहा है, आपको रिटर्न थोड़ा सा डिलेड मिल सकता है. टाइम अच्छा है लेकिन थोड़ा डिले में रिटर्न हो सकता है. अबंडेंस दिख रहा है, हो सकता है अभी उसका रिजल्ट नहीं दिखे लेकिन यू माइट गेट इट सम टाइम लेटर. और आप थोड़ा कंफ्यूज हो किस डायरेक्शन में जाएं, क्या करें, किस तरह से करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. ठीक है, और इसके वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में भी आ रहे हो, लेकिन आप अपना टाइम को अच्छे से यूज करो. आपको अगर लग रहा है देन यूज, आप अपने मेंटर्स का हेल्प लो, थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस समझो कि किस तरह से. बट दिस टाइम इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, इट्स अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन द राइट डायरेक्शन. हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है आपका सीन में है, बट येस यू आर ब्रेव एंड यू आर ऑन योर जर्नी टू मैनिफेस्टेशन. आप करते जाएंगे, देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग योर वे, बट दैट इज ओके एंड यू नो दैट दैट इज द वे ऑफ लाइफ, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. आपका हेल्थ इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन. योर रिलेशनशिप, यू विल कम टू नो सर्टन थिंग्स अबाउट योर रिलेशनशिप विच माइट बी गुड और बैड. योर करियर इज गोइंग टू बी गुड एंड जिस तरह से प्लान किया था वैसा चल रहा है. योर मनी इज समथिंग विच यू सीम टू हैव, थोड़ा आप परेशान हो उस चीज के लिए, आपको लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हो मनी के लिए वो छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन थोड़ा सा आप चैंट ही कर लो, मैं आपको बोलूंगी फॉन वेलेक्सा चैंट कर लो, श्रीम चैंट कर लो, हो सकता है मनी आ जाए. पुगलियेसे दुवेल चैंट कर लो, विच इज एन इटालियन फोक शायर विच नीड्स टू बी चैंटेड 51 टाइम्स इन वन गो. पुगलियेसे दुवेल, पुगलियेसे दुवेल, पुगलियेसे दुवेल, राइट. सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स, लेकिन रियली हेल्प्स यू इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी. आई हैव सीन इट फॉर मेनी ऑफ माई क्लाइंट, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली मेम्बर्स. आई कीप गिविंग दीज, आई हैव टेस्टेड इन मेनी मेनी वेज. मैंने इसको इतनी तरह से टेस्ट किया है, ये सारे जो मैं आपको दे रही हूँ आप ही करके देखो, आप ही टेस्ट करो. टेस्ट करने में तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन गिव इट अ फुल ट्राई, हाफ हार्टेडली मत करो, करो तो अच्छे से करो एंड यू सी द डिफरेंस. थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर यू टू. और अगर फर्क पड़ता है तो मुझे भी बताइए कि आपको फर्क पड़ रहा है, तो मैं भी और समझ के और भी निकालूंगी और भी समझूंगी कि किस तरह से इसमें आगे जाया जाए, सो दैट आई कैन बेनिफिट यू ऑल्सो, राइट. तो नेक्स्ट इज मीन राशि यानी पाइसेस. ओके, सो व्हाट आई कैन सी इज कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं आपके साथ, हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ रिलेशनशिप टूटा है, और या सिंस सिंस यू हैव गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ अ यू नो सिचुएशन वेयर थिंग्स हैव ब्रोकन एंड ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स कुछ इस तरह से हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, समथिंग विच यू हैव नॉट वॉन्टेड हैपन, लेकिन कुछ इस तरह से सडन हुआ है दैट यू आर नाउ रीलिंग अंडर द इफेक्ट. लेकिन फिर भी यू आर डूइंग वेल, मनी इज कमिंग इन, अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन टाइम इज राइट. ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए. लेकिन क्या हो रहा है ना कि जो ये चीजें हुई हैं
ब्रोकन थिंग्स एंड ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड सर्टेन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कुछ एक्सीडेंट, इसके वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो कि क्या करना चाहिए. इज इट राइट टाइम? समटाइम्स क्या होता है ना, हमारा जो मार्केश वाला जो मतलब जो एक फेटल टाइम होता है, दैट इज ऑल्सो द टाइम वेन वी कैन ओन वेल. वाई? बिकॉज जो हमारा धन का भाव होता है और हमारा जो एक्सीडेंट का भाव होता है, दोनों एक होता है, दोनों एक ही भाव होता है. तो अगर कोई अच्छा है, अच्छा टाइम चल रहा है आपका पैसे के हिसाब से, हो सकता है वो टाइम आपको एक्सीडेंट भी कराए. तो होता है ये कभी कभी, लेकिन डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट. इट हैज हैपेंड. अगर आप पूजा करवा सकते हो किसी पंडित से तो आप पूजा करवा लो, बट डोंट थिंक ओवर इट अ लॉट, बिकॉज डोंट ड्वेल ऑन द थिंग्स विच इज नॉट इन योर कंट्रोल. ड्वेल ऑन दोज विच इज स्टिल अंडर योर कंट्रोल. सो इट इज अ टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर यू. थिंक अबाउट इट एंड आई नो दैट यूर हार्ट ब्रोकन, बट येट इट इज अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर मैनिफेस्टेशन. कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और बहुत कुछ पा सकते हैं आप. इस वजह से अपना हेल्थ और हेल्थ और माइंड सेट को आप हर्ट कर रहे हैं. योर रिलेशनशिप इज वेरी ब्यूटिफुल. आप शायद कुछ लोग घर बनवाने वाले हैं अपना, और जो आपका करियर का सवाल है, थिंग्स आर फाइन एंड यू आर ऑल इन अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ यू नो, अभी एकदम बहुत अच्छे, आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. वे योर करियर इज कंसर्न, वे योर मनी इज कंसर्न, दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल टाइम. और कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एंटरिंग टू न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू हाउस, गेटिंग अ न्यू चाइल्ड. सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल टाइम. यू जस्ट एंटर्ड अ मैनिफेस्टेशन जोन वेयर थिंग्स, वेरी गुड थिंग्स आर हैपनिंग. सो कीप प्रेइंग एंड ये अच्छा टाइम आपका चलता रहे. सो दिस इज माई विश फॉर यू. कीप दिस टाइम एज अ वेरी स्पेशल टाइम. इसमें मैनिफेस्टेशन करिए, अच्छे थॉट्स लाइए, सो दैट यू आर एबल टू मैनिफेस्ट मोर एंड मोर. With this, I come to the end of the session of Tarot Talks with Rashi Roop Lakshmi. I'm a tarot reader, astrologer, numerologist. I am a Vastu expert and I'm a manifestation expert. I'm also an author of the book Manifest Your Quest, The Power of You. आप मुझसे directly consult कर सकते हैं on the number 9820732557. You can directly call me, DM me. आप मुझे Instagram पे भी message कर सकते हैं @rooplakshmi. So, with this, let me sign off. लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दे सकती हूँ. हाँ, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू न्यूमरोलॉजी, थ्रू टैरो एंड अलग अलग वे से मैं आपको एक सही डायरेक्शन में, मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया है. आई हैव हेल्प मोर देन 10,000 पीपल. सो इफ यू वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट, देन लेट मी नो ऑन दैट. यू कैन ऑलवेज यू नो get in touch with me, message me, and with this, let me sign off from this. Thank you so much. Keep coming back, and कुछ अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, और कुछ ना अच्छा लगे वो भी मुझे बताइएगा. कोई आपको रेमेडी काम किया तो भी मुझे मुझे बताइएगा. लेट मी नो एंड गेट इन टच विथ मी मोर एंड मोर, सो दैट मुझे समझ में आए कि आपको क्या चाहिए. अगर आपको किसी चीज की रेमेडी चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइए. राइट? Thank you. I am a tarot reader, health, relationship, money, career. हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है?